गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखेंगे बहुपदों के कुछ प्रकार। बहुपदों के कुछ प्रकार होते हैं रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। आज हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। रैखिक बहुपद वो होते हैं जहां पर बहुपद की घात हो एक के बराबर, जैसे 5x, यहां x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है। 6x + 5, यहां भी x की जो घात है वो है 1। 7y - 6, यहां y चर है, इसकी जो घात है वो है 1। इसी प्रकार से -25z, यहां z की जो घात है वो है 1। इस प्रकार से 8t, यहां t की जो घात है वो है 1। ऐसे ही 9a - 5, यहां a की जो घात है वो है 1। तो ऐसे जो उदाहरण होंगे जहां x की, y की, a, b, c जो भी चर है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो 1 होगी, ऐसे बहुपदों को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद अगला है द्विघाती। तो नाम से ही पता चलता है, द्वि मतलब दो, घाती यानी घात, तो जहां घात बहुपद की जो घात हो वो हो दो, ठीक है। जैसे 6x² - 5, यहां x की जो घात है वो है 2। ऐसे ही देखिए 5y² + 6y, यहां y की घात है 2, y की घात है 1, बड़ी घात है 2, तो बहुपद की घात है 2। ऐसे ही -100y² - 20y, यहां y की घात है 2, बहुपद की घात है 2, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण जिनमें बहुपद की घात 2 हो उन्हें हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से त्रिघाती, ये भी नाम से क्लियर होता है, त्रि मतलब 3, घाती मतलब घात, जहां बहुपद की घात हो 3। जैसे 8x³ + 5x² + 100x, यहां x की पावर है 3, 2, 1, सबसे बड़ी घात है 3, तो बहुपद की घात होगी 3। तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से -8z³, इसमें एक ही पद है लेकिन उसकी घात है 3, तो बहुपद की घात होगी 3। इसी प्रकार से 6a³ - 12a² + 15, यहां भी एक ही घात है, बहुपद की घात है 3, ठीक है। 5t³ - 6t² + 8t - 14, इसमें भी देखिए t की चर है t, तो t की जो सबसे बड़ी घात है 3, यानी बहुपद की घात है 3, है ना। तो ऐसे जो उदाहरण है जहां पर बहुपद की घात 3 होगी उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो ये हमने आज सीखा बहुपदों के प्रकार, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। रैखिक वो होते हैं जिनमें बहुपद की घात होती है 1, द्विघाती वो होते हैं जहां बहुपद की घात होती है 2, त्रिघाती वो होते हैं जहां बहुपद की घात होती है 3। थैंक यू।